हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जी ऑटो प्रॉप के बारे में, अर्लियर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है नीचे लिंक दी हुई है, देख सकते हैं। ये जो टूल है, ये टूल की मदद से हम वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल चेक कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो आज हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो डायग्नोसिस हम करते हैं, वो डायग्नोसिस पास करने के लिए टूल के बारे में आपको बताया हुआ है। तो जो भी सेंसर से एक्चुएटर से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर काम करे तो कितने परसेंट काम कर रहे हैं, वो चेक करने के लिए हमारे पास ये टूल में एक ड्यूटी साइकिल जो फीचर्स है उसके बारे में वीडियो देखेंगे। तो जी ऑटो प्रोप को इग्निशन ऑन कंडीशन में हम यहाँ पर कनेक्ट किया, ये बैटरी के नेगेटिव पर हमने कनेक्ट कर दिया, और ये जो प्रोप है इसको यहाँ पर अभी हम ये एक्चुएटर आज हम चेक करने वाले हैं। एक्चुएटर की ड्यूटी कितने परसेंट वो काम कर रहा है वो हम चेक कर रहे हैं आज। तो ये मॉड्यूलेटर, वैक्यूम मॉड्यूलेटर जो टर्बोचार्जर को ऑपरेट करता है, यहाँ पर आप देख रहे हो उसके दो वायर हैं, एक ब्लू ब्लैक है और एक येलो ब्राउन कलर का वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे दोनों में। तो आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो एक ये ब्लू कलर का जो वायर है उसमें आपको 12 वोल्टेज मिल रहा है, और ये सेकंड येलो ब्राउन कलर का वायर है उसमें हमें यहाँ पर 6.5-7 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये ब्लू ब्लैक वायर में जो रीडिंग देखा, जो 12 वोल्ट हमें दिखा रहा था वो सप्लाई है, और दूसरा जो येलो ब्राउन कलर में हमने जो रीडिंग लिया उसमें जो 6.5-7 का वोल्टेज का दिखा रहा था, तो वो जो रीडिंग था वो था ECM कंट्रोल ग्राउंड का। तो उससे हमें क्या पता चला कि जो ग्राउंड वाला है वहाँ पर हमें कितनी ड्यूटी हमें मिलेगी वो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टूल की मदद से ड्यूटी चेक करेंगे और वो एक्चुएटर कितने परसेंट काम कर रहा है वो हमें पता चलेगा। ड्यूटी साइकिल हमने सिलेक्ट कर लिया है, इग्निशन ऑन कंडीशन है। तो ये सेकंड नंबर की जो वायर थी, हमारी पिन थी, उसमें अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें 95% दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अभी बंद कंडीशन है, इग्निशन ऑन कंडीशन है। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी चालू करो। गाड़ी स्टार्ट करने पर यहाँ पर आप रीडिंग देख रहे हो 95% था, तो वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, और आइडल कंडीशन में एक रीडिंग पर वो स्टेडी हो जाएगा। अभी हमने रेस किया, तो जैसे जैसे रेस बढ़ा रहे ये ड्यूटी हमारी बढ़ रही है। देखो तो ये परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये रीडिंग से हमें यही पता चल रहा है कि भाई ECM जो है वो मॉड्यूलेटर से जो काम करवा रहा है वो हर एक स्टेज पर लो RPM पर, जैसे जैसे हम RPM बढ़ाते हैं वो इंक्रीज RPM पर वो मॉड्यूलेटर से कुछ परसेंटेज काम करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जस्ट ऑटो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू।